हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई दीजिए नववर्ष की। नववर्ष 2022 हम सबके बीच आज आया है। जी जी, JNI न्यूज चैनल ने जी सर अपने चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, उत्तर प्रदेश को, जनपद प्रतापगढ़ को और पट्टी विधानसभा क्षेत्र के इस बीघा ग्राम सभा में जी बधाई देते हुए सबकी बधाई लेने का जो अभिनव एक प्रयत्न किया है जी, इस चैनल की मैं प्रशंसा करता हूं और इस चैनल के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़, पट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी महानुभावों को और बीघा में उपस्थित इस परिवार के प्रति मैं अपनी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सर, 2022 के चुनाव में सर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रुझान रहेगा? जैसे ब्राह्मण को लेकर मैं देख रहा हूँ, कोई अलग प्रत्याशी हैं बसपा के, नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनका अलग रुझान है, जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। सर, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या ब्राह्मण नहीं मालूम वोट है कि जी कौन चुनाव लड़ रहा है? जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे उनका कोई प्रत्याशी होगा जी, उसे हक है प्रजातंत्र में जी अपनी बात रखने का। मैंने पूरे 5 वर्ष जनता से के संपर्क में रहा जी, पट्टी का जो भी विकास हुआ है जी उसमें मेरे अलावा किसी ने कुछ नहीं किया जी, किसी को कभी अवसर मिला जी तब भी नहीं किया। पट्टी की जनता मुझे प्यार देती है जी, अब भी उसका विश्वास मेरे साथ है। कौन लड़ रहा है, कौन किस जात का है, धर्म का है, मैं जानता नहीं जी, पट्टी का विश्वास ही मेरी जाति है, पट्टी का विश्वास ही मेरा धर्म है और पट्टी का विकास ही मेरा कर्तव्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हम यहाँ की सेवा। धन्यवाद।